हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेक 2.5 लाख पर मंथ विथ इंडियन एसएमएम। सो इफ यू आर अ फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर, एस्पायरिंग एजेंसी ओनर, और इफ यू वांट टू कम यू नो इन एजेंसी स्पेस, और इफ यू आर जस्ट एंटरप्रेन्योर, दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2.5 लाख रुपीज कैसे कमा सकते हो इंडिया में काम करके, इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करके। और चलो वीडियो स्टार्ट करते फिर। ओके, सो पहला पॉइंट, पहला डिस्क्लेमर है डेफिनेटली, डिस्क्लेमर ये है कि ये रातों रात नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा इसमें। इट विल टेक सम अप्रॉक्स, अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 1 साल के टाइम लग सकता है अगर आपको 2.5 लाख रुपीज़ तक पहुँचना है तो। अगर आप तीसमार खान हो, तुर्रम खान हो, तो फिर यू नो आप 3 महीने में, 1 महीने में भी कर सकते हो, बट आइडियली इतना टाइम लगेगा इस अमाउंट तक पहुँचने में इंडियन एस में, इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करने में। तो इसका जो बेसिक जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपको एक ऐसा सर्विस पिक करना है, ऐसी सर्विस पिक करना जो आपको कंटिन्यू बेसिस पे हर मंथ आपको पेमेंट करे। सिंपल सी बात है, आई मीन रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम का मतलब आप ऐसी सर्विस मत लो जो आपको जस्ट वन टाइम काम करके ख़त्म हो गया, लाइक ब्रांडिंग, लोगो डिज़ाइन हो गया, या वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, या आपका वन टाइम अफेयर होगा क्लाइंट्स के साथ। तो ये आपको हर महीने आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने होंगे आपको पैसे कमाने के लिए। बट अगर आप एक ऐसे सर्विस दे रहे हो जो आपके लिए रिकरिंग इनकम देगा, तो आप इसमें स्केल कर सकते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो दो दो ढाई ढाई तीन तीन साल से अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक आउटलेट के साथ स्टार्ट किए थे, आज 4 आउटलेट है विद इन 2 ईयर्स, और चारों आउटलेट की मार्केटिंग हम लोग करते हैं और उनको और हम लोग स्केल करके दे रहे हैं बिजनेस। सो अगर कल के डेट में कोई नया एजेंसी ओनर आ जाए और उनको ऑफर करे कि चलो सर मैं आपको 5,000-10,000 रुपये में काम कर दूंगा ना, आई नो कि मेरे क्लाइंट्स मेरे हाथ से नहीं जाने वाले हैं, दे आर फिक्स्ड क्लाइंट विथ मी। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मेरे साथ अभी तक फिक्स अमाउंट पे काम कर रहे हैं और अब हम लोगों को न्यू क्लाइंट्स हंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो हमेशा एक ऐसे सर्विस पकड़ो जो आपको रिकरिंग इनकम दे। इंडिया में बात करूँ तो आप अवॉइड करो जो वन टाइम सर्विस है, लाइक वेबसाइट डिज़ाइन, फनल डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन एंड ऑल दिस थिंग वन टाइम। आपको जो रिकरिंग इनकम देने वाले सर्विस है उसको पिक करो, लाइक आप एड्स चला सकते हो, आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, आप इवन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बट अगेन वो भी हमेशा कंटिन्यू नहीं रहने वाला, वो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट वाइज खत्म होगा। तो आपकी, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मेरा ही सर्विस ले लो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो, कंटेंट क्रिएशन, लाइक आई डू इट फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब आपका एक सर्विस फिक्स हो गया है, आपका एक सर्विस फिक्स है कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने वाला हूँ, मैं क्लाइंट्स को क्या क्या सर्विस दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई योर नीच। अब बिल्कुल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल एक ही निच पे स्टिक रहो, आपको अपना विनिंग निच ढूंढना होगा, आपको 4-5 निचेस में काम करने होंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा आपका निच आपके लिए बेहतर है, आपको किस निच में मजा आ रहा है। जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैं 5-6 का मैं ऑलमोस्ट 10-12 निचेस के लिए काम करता था। मैं हॉस्पिटैलिटी में करता था, मैं ई कॉम में करता था, मैं डॉक्टर्स के साथ काम करता था, मैं रियल एस्टेट में भी काम करता था। आई मीन ऐसे ऐसे क्लाइंट्स थे, मेरे को याद तक नहीं आ रहा है, बट यस ऑलमोस्ट 10-12 निचेस में मैंने काम किया। यस सलोन था, नेल स्पा था एक क्लाइंट का, एंड बहुत सारे बिजनेसेस थे। तो अगेन बट मेरे को जो अच्छा लगा, जहाँ मेरी ट्यूनिंग जमी, वो हॉस्पिटैलिटी है, क्योंकि यू नो वहाँ पर दिखाने के लिए अच्छा मिलता है, यू नो फूड एंड ऑल दिस थिंग, तो इट एक्साइट्स मी एंड मुझे अच्छा भी लगता है। उनके लिए कुछ मैं अलग क्रिएटिव करने का सोचता हूँ, हमेशा अलग कुछ करने का सोचता, तो उसमें मेरे को मज़ा आता है। तो आपको एक कैटेगरी, आपको एक नीच सेलेक्ट करना होगा। अब आप कुछ भी सिलेक्ट करो, कोई भी इंडस्ट्री पहले पकड़ो, अब उसके अंदर आपको प्रीमियम सब निच ढूंढना होगा, प्रीमियम सब कैटेगरीज ढूंढना होगा। लाइक मैं हॉस्पिटैलिटी में करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। आप एक कैफ़े वाले को भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर रखोगे, आप लाउंजेस को भी रखोगे, आप क्लब्स को भी रखोगे, आप होटल्स को भी रखोगे, आप रिजॉर्ट्स को भी रखोगे, यू नो आप एक ट्रैवल कंपनीज को भी आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर डाल सकते हो, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं उन लोगों को भी आप डाल सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसके अंदर मैंने एक प्रीमियम सब कैटेगरी पकड़ा। प्रीमियम सब कैटेगरी मतलब हम लोग सिर्फ इसमें 2 लोगों के साथ काम करते हैं, एक है जो नाइट क्लब में लाउंजेस, विच इज़ नोन एज पब क्लब बार, और दूसरा है जो प्रीमियम रिजॉर्ट्स हम लोग काम करते हैं। तो ये 2 प्रीमियम सब निच है। अब ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया,
इनके रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं एक कैफे का बात करूँ या एक क्लाउड किचन का बात करूँ, तो उनका मंथली इनकम कितना होता है आप एक कैलकुलेट कर सकते हो। क्लाउड किचन का पकड़ो तो मैं 6 से 7 लाख रुपए मंथली वो लोग इनकम अर्न करते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो हार्डली आई गेस कि एक ओनर्स को उनका वहाँ पे 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता होगा। वहाँ से अगर मैं जाके उनको बोलूँ कि 30,000 40,000 50,000 रुपये मार्केटिंग में डालो, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ यू नो बर्डन हो जाएगा। अगर मैं इसी में थोड़ा और आगे बढ़ूँ, कैफे के बाद में एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स की बात करो, तो वो भी आराम से महीने का आई मीन 25 to 30 लाख रुपीज़। आई मीन मैं मुंबई के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये भी बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख रुपीज़ का एक मंथ में उनका टेन्योर होता है। उसके बाद अगर मैं उसके फाइन डाइन के ऊपर बात करूँ तो नाइट क्लब्स हो गए, नाइट क्लब्स में लाउंजेस हो गए, उसके बाद पब्स हो गया। अब वहाँ पे ये लोग जो मेरे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूँ कि वो लोग एटलीस्ट महीने का 80 लाख्स to 1 crore करें। अगर वो 1 crore तक टच कर रहे हैं ना, तो दे विल इजिली इन्वेस्ट अराउंड 50,000 60,000 70,000 इन देयर मार्केटिंग। सो मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर प्रीमियम सब कैटेगरी ढूंढा, प्लस रिजॉर्ट्स क्यों ढूंढ पकड़ा मैंने, क्योंकि बहुत सारे अब अगर मैं टूर्स एंड ट्रैवल ट्रैवल कंपनीज होटल्स और रिजॉर्ट्स की बात करूँ, तो रिजॉर्ट्स हैव ए गुड प्रॉफिट मार्जिन एंड गुड यू नो रेवेन्यू सिस्टम ऑल्सो। उनके पास भी काफ़ी चीज़ें सेल करने के लिए होती है, कॉर्पोरेट्स के लिए वो लोग इवेंट सेल करते हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती है, प्लस पे डे हिसाब से भी होता है, पर टूर्स एंड ट्रैवल्स होता है, हनीमून के लिए लोग आते हैं, तो बहुत सारे वो लोग बुकिंग्स करते हैं, तो रिजॉर्ट्स भी एक प्रीमियम कैटेगरी में आता है। तो अपने इंडस्ट्री का आपका जो निच है ना, उसमें आप प्रीमियम सब निच ढूंढो। अगर फिटनेस में जा रहे हो तो फिटनेस में देखो कि फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, या जिम कमाता है, या योगा में लोग कमाते हैं, या फिर मार्शल आर्ट में कमाते हैं, या फिर आपका कोई फिटनेस ट्रेनर कमाता है, या फिटनेस सेलिब्रिटी ट्रेनर कमाता है, सबसे ज़्यादा पैसा उस इंडस्ट्री में कौन कमाता है आपको ये ढूंढना है। आप डॉक्टर्स में भी जा रहे हो तो डॉक्टर्स के अंदर ढूंढो कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम सबसे ज़्यादा प्राइस पॉइंट किसका है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट कितना चार्ज करता है, एक लेजर आई ऑपरेशन के लिए कितना चार्ज लगता है, एक डेंटिस्ट कितना चार्ज करता है, एक ENT स्पेशलिस्ट कितना चार्ज करता है, तो आपको उनके हिसाब से चार्जेस के हिसाब से आपको एक प्रीमियम सब टच ढूंढना है। या आपने नेच फाइंड कर लिया, आपकी सर्विस फिक्स हो गई, अब आपका प्रीमियम सब नेच फिक्स हो गया। अब आपको अगर अगर मैं अब बोलूं कि चलो मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपने एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं जब ये एजेंसी स्टार्ट किया था, तो मैं 15,000 रुपये महीने से स्टार्ट किया था 2019 में, मिनिमम जो सोशल मीडिया का पैकेज जो चल रहा था उस टाइम। अभी अगर मैं मिनिमम सोशल मीडिया का पैकेज की बात करूँ, तो जो एक फ्रेशर एक बिगिनर भी है, वो आराम से 25,000 to 30,000 रुपीज़ मुंबई में स्टार्ट कर रहे हैं उनके प्रीमियम सब कैटेगरीज में। मेरी इंडस्ट्री में हमारा चार्जेस अभी अराउंड 30,000 अप्रॉक्स 30,000 30,000 प्लस ऐसा चलता है, प्लस हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अब आपको क्या करना है, एक बेस प्राइस सेलेक्ट करनी है। चलो मैं 25,000 रुपये सेलेक्ट कर रहा हूँ, 25,000 रुपये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको एक 2.5 लाख रुपीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए 10 क्लाइंट। सिंपल, आपको इंडस्ट्री पता है, आपको अपनी सर्विस पता है, आपको अपनी प्रीमियम सब निच पता है, अब आपको प्राइस पता चल गया कि 25,000 रुपीज़ चार्ज करना है, उसमें क्या क्या सर्विसेज देना है। अब 25,000 रुपये में आपका क्लियर कट गोल है कि 2.5 लाख रुपीज़ पहुँचना है, मेरे को चाहिए एटलीस्ट 10 क्लाइंट। अगर मैं 6 महीने का टेन्योर लेके चलो कि 6 महीने में मेरे को अचीव करना है, तो मोस्टली मेरे को 1 महीने के अंदर 2 क्लाइंट क्लोज करने होंगे, और 2 क्लाइंट क्लोज करने होंगे तो उनको भी ऐसी सर्विस देनी होगी कि वो मेरे साथ स्टिक रहे, उनको प्रॉफिट हो। चलो मैं 1 महीने एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ कि 1-2 क्लाइंट जा भी सकता है आपका, तो भी एटलीस्ट आपको 6 महीना में आपको मिल जाएंगे 10 क्लाइंट। आपको 10 क्लाइंट के लिए टारगेट करना है, विच विल बी अराउंड 2.5 लाख रुपीज़। उसके बाद आपको टीम मेंबर्स सेल्स जो आपको क्लाइंट्स के साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन करे, मीटिंग्स करे, कॉल करे, ये आपको बिजनेस ओनर, अगर आप खुद एजेंसी ओनर हो तो आपको सेल्स अपने हाथ में लेनी होगी, आपको खुद मीटिंग्स करनी होगी, आपको कॉल्स करने होंगे, आप मीटिंग अपॉइंटमेंट बुक करो, आप जाके क्लोजर करो। एक सेल्स का टीम में आप खुद होना चाहिए। उसके बाद एक कंटेंट क्रिएटर, जब मैं एजेंसी स्टार्ट किया था तो मैं कंटेंट क्रिएशन खुद करता था, मैं आइडियाज़ खुद लेकर आता था कि आज मैं क्या पोस्ट करने वाला हूँ, मैं कल क्या पोस्ट करने वाला हूँ, ये सारे के सारे यू नो कैलेंडर बनाना, कंटेंट बनाना, और स्टोरीज हो गए, जोमेटो हैंडल करना, गूगल हैंडल करना, ये सारे प्लेटफॉर्म मैं खुद हैंडल करता था। मैं सेल्स भी हैंडल करता था, सेल्स में मैं दिन के समझे 2 से 3 घंटे का टाइम देता था सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में मैं पूरा कंटेंट क्रिएशन, क्लाइंट्स का कंटेंट शेड्यूल करना,
उसके बाद अपने डिजाइनर से बात करना, वीडियो एडिटर से बात करना। सो बेयर मिनिमम आपको 2.5, आपको 10 क्लाइंट हैंडल करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की टीम की जरूरत होगी। सेल्स और कंटेंट क्रिएशन आप खुद करो, आप ग्राफिक डिजाइनर एक हायर करो, एक वीडियो एडिटर हायर करो। अब ग्राफिक डिजाइनर अगर शुरू में बिल्कुल फिक्स सैलरी पे हायर नहीं करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं पे पर प्रोजेक्ट देता था, पे पर क्लाइंट करता था, तो एक क्लाइंट के ऊपर जैसे मैं 15,000 चार्ज करता था, तो एक क्लाइंट के ऊपर मैं 3,000 ग्राफिक डिजाइनर को देता था, जो मेरे को 30 पोस्ट बना के महीने का देगा, प्लस वीडियोस का मैं 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ अप्रॉक्स ना देता था, और मैं महीने का 10 वीडियो से ज़्यादा नहीं, तो मेरा 15,000 के क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा खर्चा होता था अप्रॉक्स, समझ लो कि महीने का 4,000 से 4,500 रुपये पकड़ लो अप्रॉक्स। तो मेरे को पर क्लाइंट 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था बैक टू 2019। अभी मेरे पास पूरी टीम है, फुल फ्लेज टीम है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है। अभी मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, अभी तक ऑलमोस्ट मेरी एजेंसी इंडिया में सेट है। मेरे को पता है यहाँ से कितना आना है और मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो सेम काम आप भी रिपीट करो, आप मेरे को डुप्लीकेट कर सकते हो, सिंपल आप कॉपी कर सकते हो। आप 10 क्लाइंट्स के पीछे जाओ, 10 क्लाइंट्स को टारगेट करो इंडिया में, 10 क्लाइंट्स का आपको विद इन 6 मंथ्स आपको क्लोज करने हैं। आप अपनी टीम में खुद ही कॉन्टेंट क्रिएशन करो, कॉन्टेंट क्रिएशन मतलब आइडियाज़ लेकर आओ, दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देखो वो लोग क्या करें, वो कंटेंट क्या बना रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई करो, यूट्यूब देखो, ब्लॉग पढ़ो, आप आइडियाज़ लेकर आओ, आप कुछ अच्छा उनके लिए इनोवेटिव करोगे, वो क्लाइंट्स आपके पास स्टिक रहेंगे। ग्राफिक्स और वीडियो थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम प्रोसेस ये ज़्यादा लेता है, तो इसके लिए आप आउटसोर्स करो। पहले आप पेपर प्रोजेक्ट तो करो ग्राफिक्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, और जब आपके पास 10 क्लाइंट्स हो जाएंगे तब जाके किसी को फुल टाइम हायर करो। तो अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप एक प्राइस पॉइंट लेकर के चलो कि 25,000 रुपये महीने में ग्राफिक डिजाइनिंग में खर्चा करूँगा, वीडियोज़ में मैं 25,000 रुपये खर्चा करूँगा, तो भी आपको आउट ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ आपको 2 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा जस्ट विद इन 6 मंथ्स ऑफ वर्किंग हार्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंडिया में 2.5 लाख रुपीज़ कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद आता है स्केल। अभी जैसे मैं चार साल एजेंसी चलाने के बाद मैं इसके पहले मैं चाहता तो मैं काफ़ी पहले ही स्केल कर पाता एजेंसी आपको अपने, बट कोविड आने के बाद, दो लॉकडाउन झेलने के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी बुरी तरह ये इंडस्ट्री हिट हुई थी और इसको रिवाइव करने में टाइम लगा। सो अब जाके हम लोग की भी इंडस्ट्री जो है हमारी काफ़ी रिवाइव हो चुकी है, मेरी एजेंसी अच्छी चल रही है, वी आर सेट ऑन 30 क्लाइंट्स। अब हम अपने क्लाइंट बेस को बढ़ा भी नहीं रहे हैं, हम मेरी टीम सेट है, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। जब कोई क्लाइंट जाता था हम उस क्लाइंट को बस रिप्लेस करते दूसरे क्लाइंट्स के साथ, और अब हम लोग स्केल का तब देख रहे हैं कि अब हमको स्केल करना है। अब स्केल करने का दो ही मेथड, या तो इंडिया में अब हाई टिकट्स, अब हमारे पास जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी हम 30,000 रुपीज़ चार्ज करें, अभी नेक्स्ट हम लोग 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर देख रहे कि हम सेम क्लाइंट्स को 50,000 60,000 या फिर हम 50-60,000 रुपीज़ के क्लाइंट्स के पीछे जाए। या सेकेंड मेथड, अब मेरे को इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो इंटरनेशनल मार्केट में मैं सेम सर्विसेज के लिए आराम से 1.5-1.2 में के मैं चार्ज कर सकता हूँ, और जो पैसे अब मैं इंडिया में कमा रहा हूँ, जो इंडियन एजेंसीज के कमा रहा हूँ, अब मैं वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। सो दैट इज़ हाउ व्हेन यू कैन स्केल योर एजेंसी अर्न फ्रॉम इंडिया। मैं अभी ये बहुत मेरे को बहुत सारे DMs आए हैं कि क्लाइंट्स के पीछे जा रहे हैं, ऑल द थिंग मीटिंग्स क्लोज हो नहीं रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल सा चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। सिंपल सा चीज़ याद रखो, इंडिया से स्टार्ट करो। इंडिया से स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे क्लोजर थोड़ा इजी मिलेगा, मीटिंग थोड़ी ज़्यादा इजी मिलेगी, आपको काम करने के लिए क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आपको स्किल सेट इंप्रूव होगी, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आप काम ओवरऑल सीख जाओगे, आपके पास हाथ में पैसे होंगे। जब पैसे होंगे ना, जब आपकी टीम सेट है, क्लाइंट सेट है ना, तब उस पैसे को इन्वेस्ट करो और इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, जहाँ पर आप तेज़ी से स्केल कर सकते हो। सो येस, दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वैल्यू मिला होगा, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें काम कैसे करती हैं। और कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और यू नो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑन इंस्टाग्राम DM। थैंक यू।